मोहन जी, आप कह लीजिए सनौटंकी, पर हमारे लिए तो प्रायश्चित है ना। एक प्रायश्चित करेगा और दूसरा उसके पीछे पीछे आएगा, तो मैं क्या भजिया तलूं? और जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते और हम अपने बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो कर लो ना दर्शन। दर्शन करने के लिए किसने मना किया है? पर नॉर्मल लोगों की तरह चल के जाओ ना, ऐसे लोटपोट होकर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा संकल्प है मोहन जी। मैं भी ये कब से बोल रही हूँ, कितने और एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये मान ही नहीं रही। अब तुम ही समझाओ इसे। ठीक, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम ये नौटंकी बंद कर दोगी? अब तो ये संकल्प पूरा होने के बाद ही बंद होगा मोहन जी। और तब तक ना ही हम अपनी आंखें खोलेंगे और ना ही आपकी कोई बात सुनेंगे। हम ऐसे ही बाकी बिहार जी के दर्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो तुम कर लेना अपने संकल्प, फिर मुझे मत कहना। किस बात के लिए मोहन जी? इस बात के लिए। हम समझते हैं हमारी पोती के मन में कोई खोट नहीं है। हृदय भी बहुत अच्छा लड़का है, राधा की हर बात समझता है। पर लता जी, उन्हें तो अब यही लगता होगा कि मोहन और राधा के बीच में कुछ है। दिख रहा है ना आपको कि राधा और मोहन के बीच में क्या ड्रामा चल रहा है? मुझे तो समझ नहीं आता है कि मोहन को उसकी इतनी क्यों पड़ी है। राधा ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, मैं चाह कर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। वो मुझे और मेरी बेटी को नजदीक ले आई, जो ना तुम ना कोई और, अरे करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता था। कादंबरी जी, बाके बिहारी जी ना करे, अगर उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर एक बार लड़की का रिश्ता टूट जाए तो दोबारा होना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। सच कहे तो हमें राधा की नहीं मोहन की चिंता हो रही है। क्यों, मोहन ने कुछ कहा आपसे? अरे नहीं 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 माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी राधा में कोई खोट नहीं है और ना ही हमारे मोहन में। हम वादा करते हैं इस बारे में हम मोहन से जरूर बात करेंगे। मोहन, तुम क्यों नहीं समझते? तुम्हारा निस्वार्थ लगाव राधा की जिंदगी बर्बाद कर सकता है।